हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बर्बन बिस्किट से केक। चॉकलेट फ्लेवर का केक है ये, बहुत ही स्पंजी बनता है, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ नहीं होते, बहुत इजी केक है ये बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा बर्बन बिस्किट। यहाँ मैं 2 पैकेट बर्बन यूज़ कर रही हूँ। इसका प्राइस है 20 रुपीज़। यहाँ में 2 पैकेट लगेंगे तो 40 रुपीज़ के हमें यहाँ 2 पैकेट यूज़ करना है। सबसे पहले हम सारे बिस्किट्स निकाल लेंगे, क्योंकि चॉकलेट बिस्किट है तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चॉकलेट का, और बच्चों को तो चॉकलेट बहुत पसंद होती है। आप घर में इसे बना के बच्चों को खिला सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट, स्पंजी और बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है ये केक। तो इस तरीके से हमें इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है, दोनों ही पैकेट के बिस्किट्स को। इस केक को बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब भी लोग केक बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे मेजरमेंट होते हैं, मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, एसेंस है, बहुत सारी चीज़ें हमें डालना पड़ती हैं, वो मेजर करके डालना पड़ता है। अगर ज़रा सा भी बेकिंग में मेजरमेंट आपका गलत होगा तो केक अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन ये केक इतना ईजी है कि यहाँ आपको मेजरमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें डालना ही नहीं है। ऑलरेडी ये चॉकलेट बिस्किट है, बस आपको इसे ब्लेंडर में डाल के पीसना है। इस तरीके से पाउडर फॉर्म में इसको तैयार कर लेना है। तो हम इसे ब्लेंडर में इस तरीके से डाल दे रहे हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून शुगर। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जिसको ज़्यादा मीठा पसंद है वो इसमें ऐड कर सकता है। तो ये पाउडर फॉर्म में हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल बारीक पिस गया है ये। तो अब हम इसे एक मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप इसे किसी और बिस्किट से भी बना सकते हैं, जो भी चॉकलेट बिस्किट आते हैं, जैसे कि ओरियो बिस्किट से बना सकते हैं, या और भी जो भी आपका चॉकलेट बिस्किट होता है जिसमें भी चॉकलेट बीच में लगी होती है, या चॉकलेट चिप्स के फॉर्म में बिस्किट में चॉकलेट लगी होती है, आप उस बिस्किट से भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए, पाउडर फॉर्म में हमारा तैयार हो गया है मिक्सचर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। इससे क्या होगा, बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, मॉइस्ट बनेगा। इसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 ग्लास दूध लिया है। धीरे धीरे करके इसको हमें डालना है, इसमें एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि बैटर कहीं ज़्यादा पतला ना हो जाए, इसलिए आप धीरे धीरे करके इसमें दूध मिक्स करिए। दूध रूम टेम्परेचर पर हो या हल्का सा गुनगुना हो, लेकिन ठंडा दूध नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। तो हम ये नॉर्मल टेम्परेचर का दूध यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमारा बैटर बन जाएगा। मिक्स करने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। देखिए, मैंने 1 ग्लास दूध लिया था, जिसमें से लगभग ये थोड़ा सा दूध बच गया है, लगभग ये 1/4 कप दूध होगा जो बच चुका है। तो ये हमारा बैटर बन गया है। इसके बाद हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे, तो हमें बेकिंग की तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले गैस पे कुकर चढ़ाएंगे, उसमें मैंने इसमें नमक डाल दिया है, ये कई बार यूज़ किया हुआ नमक है, और इसे हम मीडियम स्लो गैस पे छोड़ देंगे गर्म होने के लिए। जब तक कि कुकर गर्म हो रहा है, हम यहाँ पर जिस भी बर्तन में हमें केक बेक करना है उसे ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। अच्छे से चारों तरफ ऑयल लगा लें, जिससे कि केक कहीं से भी चिपके नहीं। तो ये हमारा टिन भी हमने तैयार कर लिया है, और जो बैटर है अब उसमें हम डालेंगे इनो। सिर्फ हमें 1 पैकेट इनो उसमें डालना है, और उसके ऊपर 1 चम्मच आप दूध डालेंगे लगभग, जिससे कि इनो अच्छे से लिक्विड से रिएक्ट होके झाग देने लग जाए और बैटर हमारा बिल्कुल फ्लफ़ी सा हो जाए, अच्छे से मिल जाए इसमें। तो इस तरीके से हम ये बैटर बना लेंगे। ये देखिए, बस अब हमारा बैटर तैयार हो गया है बेक होने के लिए। इसके बाद अब हम इसे टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। आराम से पूरी तरीके से इसको चम्मच से निकाल लेंगे और हम इसे टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। है ना, ये कितना इजी केक, इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ ही नहीं हुई हैं और बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो ये हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे बेक करने के लिए कुकर में रख देंगे। कुकर काफ़ी गर्म हो गया होगा, इसलिए हम ध्यान से उसको हटाएं, उसका लिड ध्यान से निकालें। इसके बाद हम इसमें एक स्टैंड डाल देंगे और ध्यान से इसके बीच में हम ये टिन रख देंगे। इसके बाद हमें इसे स्लो गैस पे छोड़ देना है लगभग 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए। मैं बीच में इसका लिड खोल के
इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, आप चाहो तो पहले भी डाल सकते हो, मैंने इसे बीच में डाला है, थोड़ा अच्छा लगेगा केक ऊपर से, इसलिए हम इस पर थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करने के लिए थोड़े से हम ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं। उसके बाद हम इसे ढक कर रख देंगे और पूरा ओवरऑल इसमें 20 से 25 मिनट लगेगा आपका केक बेक होने में। 25 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर रहे हैं कि केक पका है कि नहीं। देखिए नाइफ़ डाल के मैंने चेक किया है, नाइफ़ एकदम क्लियर आया है, इसका मतलब केक बेक हो चुका है अच्छे से। अब हम इसे ध्यान से निकाल लेंगे, उसके बाद ये जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसको डीमोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से पका है कि साइड से बिल्कुल अपने आप ही निकल चुका है। इसके बाद हम इस पर प्लेट रख के, उल्टा रख के हम इसे निकाल लेंगे। थोड़ा सा टैप करेंगे, उसके बाद ये आसानी से निकल आएगा। ये देखिए हमारा केक बनके तैयार है, बहुत ही सॉफ्ट बना है, स्पंजी बना है, आप देख सकते हैं कितना अच्छे से फूल भी गया है, प्रॉपरली कुक हुआ है। तो ये बहुत ही आसान केक है बनाना घर में, चॉकलेट केक। आप बनाइए और मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपका ये केक कैसा बना, सबको कैसा लगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, सबके साथ ही मेरा वीडियो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।